गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स विच इज चैप्टर 14 इन क्लास 12 इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या है। ठीक है, तो देखिए बायोमॉलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वी कैन से क्या होते हैं, ये छोटे मोटे नहीं, पीछे मतलब बहुत बड़े कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इट मीन्स इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या जरूरत है, मतलब ये बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एनिमल है, ठीक है, या कोई भी प्लांट है, आपको पता है प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। आप देखते हैं कोई भी एनिमल है वो, या कोई प्लांट है वो पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ठीक है, बड़ा होता है। तो क्या है, सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसकी ग्रोथ कब होगी, किसी भी एनिमल की ग्रोथ या किसी भी प्लांट की ग्रोथ कब होगी, जब उसकी सेल्स की ग्रोथ होगी। तो सेल्स की ग्रोथ, उसकी मेंटेनेंस और उसकी रिपेयरिंग, इन सभी कामों को करने के लिए, यानी किसी भी प्लांट को यदि हमें ग्रो करना है, यदि वो डैमेज हो जाता है उसकी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करनी है, या फिर हम कोई एनिमल ले सकते हैं, तो उन सब के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए कोई चीज प्लांट अगर खराब हो रहा है, डैमेज हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। प्लांट्स का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस है, ऐसे एनिमल भी बहुत सारे काम करते हैं। तो उनकी जो पूरी प्रॉपर ग्रोथ है, ग्रोथ होने के लिए, मेंटेनेंस होने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है, बायोमॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, यूरिक एसिड, विटामिन्स, जो कि किसी भी प्लांट, एनिमल, लिविंग बीइंग की, हम एनिमल और प्लांट की जगह हम ये भी कह सकते हैं, बायो का मतलब होता है लिविंग, किसी भी लिविंग बीइंग की ग्रोथ के लिए उसकी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है बायोमॉलिक्यूल्स में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब सबसे पहले हम इस नाम को देखिए कि कार्बोहाइड्रेट से बना कैसे है, ये हम इस जो नेम है इसको ब्रेक करें तो ये किससे मिलकर बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स, कार्बो माने कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन का, कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल दोनों अटैच है। ठीक है, सो दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड रिप्रेजेंटेड बाय CHHO का होल बाय। ठीक है, जहां पर कार्बन भी प्रेजेंट है एंड वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, तो हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। या हम कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरी तरीके से डिफाइन करें तो इट इज अ पॉलीहाइड्रिक कार्बोनिल कंपाउंड, पॉलीहाइड्रिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। जब आपने अल्कोहल्स पढ़े थे तो वहां पर हमने मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक पढ़ा था। पॉलीहाइड्रिक कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो सकते हैं, दो ही होते हैं। अभी तक हम जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने देखा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में और क्या अटैच होगा, साथ में पॉलीहाइड्रिक, बहुत सारे OH अटैच होंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट के आधार पर, तो टेस्ट के आधार पर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज शुगर एंड अनदर इज नॉन शुगर। अब आपको पता है कि शुगर क्या हो सकता है, शुगर तो जो टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है,
होंगे, ये कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी कि आप जैसे चीनी देखते हैं, चीनी को उठाकर देखते हैं तो उसके क्रिस्टल होते हैं, कोई ना कोई शेप होगा जरूर, ठीक है, सो इट्स अ क्रिस्टलाइन, ठीक। लेकिन यदि हम नॉट शुगर की बात करें तो नॉट शुगर कैसे होते हैं, टेस्ट लेस, उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। वो कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और अमॉर्फस होते हैं। अमॉर्फस देखिए, अमॉर्फस का मतलब नॉन क्रिस्टलाइन, मतलब उसका जो जो उसका पार्टिकल है उसका कोई साइज नहीं है, मतलब उसका कोई शेप नहीं है, लेकिन उनसे साइज की शेप नहीं है। क्रिस्टल बहुत तरीके के हो सकते हैं, लीनियर शेप हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं। तो जो शुगर होगी वो तो कैसी होगी, क्रिस्टलाइन नेचर होगी, जबकि नॉन शुगर जो है वो कैसी होगी, अमॉर्फस होगी, ठीक है। तो हम यदि मोटे तौर पर ऊपर ऊपर से देखें तो वी कैन क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, शुगर एंड नॉन शुगर। बट अनदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर में कौन सा, कि इफ अ शुगर रिड्यूस टॉलरेंट एजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। अब टॉलरेंट एजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर में पढ़ा है। टॉलरेंट एजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और फैलिंग सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया था कि फैलिंग सॉल्यूशन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी। तो वो शुगर या वो कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलरेंट एजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, मतलब उससे रिड्यूस हो जाए, तब तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, और यदि वो नहीं हो तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हो गए ऑल मोनोसैकेराइड्स, एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हो गए पॉलीसैकेराइड्स, ठीक। उसके बाद थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस, कि यदि हम किसी भी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलाइज करने पर यानी पानी में घोलने पर हमें क्या चीज मिलती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ थ्री टाइप, फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, अनदर इज डाइसैकेराइड, एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। व्हाट डज इट मीन, मोनो मीन्स देखो मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कि यदि हम कोई भी मतलब मोनोसैकेराइड्स क्या है कि इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, यानी पानी में घोलेंगे यदि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे आपने पानी में घोला और वो नहीं घुला, इट मींस दैट इज अ मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड में कार्बन कितना होगा, 3 to 7 हो सकता है, 3 से लेकर 7 कार्बन तक का हो सकता है। यदि 3 से लेकर 7 कार्बन तक का कोई कंपाउंड है जिसमें कि एल्डिहाइड कीटोन फंक्शन ग्रुप है, OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो मोनोसैकेराइड होगा और उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता, ठीक। ये कैसे हो सकते हैं, ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एल्डोज और कीटोज। देखिए एल्डोज का मतलब यदि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डोज, और यदि कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो कीटोज। अब मान लीजिए कोई मोनोसैकेराइड है जिसमें कि 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यदि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डो ट्रायोज कहेंगे, यदि 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोज कहेंगे, यदि 5 कार्बन है तो एल्डो पेंटोज कहेंगे। मतलब एल्डो तो इस चीज को बता रहा है कि फंक्शन क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। यदि 6 कार्बन है तो क्या कहेंगे, एल्डो हेक्सोज कहेंगे, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से यदि कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको ये कह सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम ये बता सकते हैं। डाइसैकेराइड्स जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जिसको यदि हम वाटर में घोले तो पानी में घोलने पर हमें क्या मिलेगा, 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है। देखिए वापस से देखिए मैंने क्या चीज बताई है कि मोनोसैकेराइड तो
ओके, ग्लूकोज का भी यही है, फ्रक्टोज का भी है, ये दोनों का फॉर्मूला यही है, ठीक है। लेकिन डाइसैकेराइड्स क्या है, जो कि हाइड्रोलिसिस होने पर क्या प्रोवाइड करते हैं, 2 से लेकर 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। अब यदि मोनोसैकेराइड यूनिट दे रहे हैं, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में कैसे जुड़ी हुई होंगी, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन होंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, ये सारी की सारी डाइसैकेराइड्स हैं, और भी कैन से ऑलीसैकेराइड्स। जैसे माल्टोज का या सुक्रोज का हम एग्जाम्पल देखिए, सुक्रोज वाले चीनी जो हम काम में लेते हैं, इसका फॉर्मूला है C12H22O11, ओके। तो अब आप देखिए, यानी इसमें इसमें मोनोसैकेराइड यूनिट कितनी है, 2, और यदि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होगी तो आपस में किसी ना किसी चीज से अटैच होगी, तो यदि वो अटैच होगी तो कौन सा लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी आपके आगे आएगा डिटेल में। उसके बाद आपके पास आती है पॉलीसेक्राइड्स। व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। क्या मतलब है कि यदि हम कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करें तो 10 से भी ज्यादा यदि मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, दे आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का मतलब मैनी, मैनी में भी मोर देन 10 से तो बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। उनका एग्जाम्पल हो सकता है स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल्स का क्लासिफिकेशन है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वी कैन फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मे बी, कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आप इसको एक बार रीड करेंगे, इसके आगे का टॉपिक वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।